भाजपा सरकार की नाकामियों से अवगत करवाने को शुरू की पदयात्रा, कुलदीप राठौर। सरकाघाट पीसी शर्मा। सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र में आज जन जागरण अभियान पदयात्रा निकाली गई। यह पदयात्रा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर की अगुवाई में बरछवाड़ से नवाही तक निकाली गई, जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा कि कांग्रेस की पदयात्रा केंद्र और प्रदेश सरकार की नाकामियों से जनता को अवगत करवाने के लिए शुरू की गई है। कुलदीप राठौर ने अपनी पदयात्रा के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरीके से केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार है भ्रामक प्रचार कर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं वह सही नहीं है। उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक जीत से बेशक कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है, लेकिन उनका अगला लक्ष्य 2022 का है। ऐसे में वह जश्न में न रहकर लोगों के बीच जाएंगे। उन्होंने कहा कि जिन चुनाव क्षेत्रों में कांग्रेस हार रही है वहां का दौरा करेंगे और लोगों के बीच जाएंगे। बाइट कुलदीप राठौर प्रदेशाध्यक्ष। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस सरकार को कहा कि 2022 का सपना कांग्रेस का सपना ही रह जाएगा। इस पर उन्होंने कहा कि सपने वो देखते हैं जो सोते हैं, और हम जागे हैं तभी जनता के बीच जा रहे हैं। आदर के साथ आपको सबको संबोधित करता हूं। मैं आपको देखिए, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पे जन जागरण यात्रा पूरे प्रदेश में हम निकाल रहे हैं। हमारे जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, हमारे जो विधायक पूर्व विधायक हैं, वो अपने अपने चुनाव क्षेत्रों में जाकर इस जन जागरण अभियान के जरिए जो केंद्र सरकार और हिमाचल सरकार की जन विरोधी नीतियाँ हैं उनसे लोगों को अवगत करा रहे हैं। और जो भ्रामक प्रचार भारतीय जनता पार्टी कर रही है उसे भी हम लोगों को जो है आगाह करा रहे हैं। इसी संदर्भ में पूरे प्रदेश में इन पदयात्राओं का आयोजन हो रहा है, और मैंने स्वयं निर्णय लिया है कि मैं उन चुनाव क्षेत्रों में जहाँ कांग्रेस पार्टी काफ़ी वर्षों से चुनाव नहीं जीती है मैं स्वयं जाकर पदयात्राओं में जो है भाग ले रहा हूँ। मैंने देखा है कि कांग्रेस पार्टी के हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो बहुत ज़्यादा उत्साहित है, और खासकर जो एक बहुत बड़ी जीत ऐतिहासिक जीत इन चार उपचुनाव में हुई है, लेकिन हमारा जो निशाना है हमारा जो लक्ष्य है वो 2022 का चुनाव है, उसी को लेकर हमने अभी से तैयारियाँ शुरू कर दी है। हम जो जीत को लेकर उत्साहित हैं, लेकिन हम अति उत्साहित नहीं है, क्योंकि हमारा जो लक्ष्य है वो 2022 का विधानसभा चुनाव है। हमारे अंदर नहीं है, सपने वो देखते हैं जो सोते हैं, हम सोए नहीं हैं, हम जागे हैं तभी तो लोगों में घूम रहे हैं। हम मुख्यमंत्री जी को ये दिख नहीं रहा शायद, तो ना तो हम सपने देख रहे हैं ना हम अति उत्साहित हैं। हम बिल्कुल जनता के बीच में रहेंगे, और अपना जो लक्ष्य है उसको हम जो है उस लक्ष्य की तरफ हम अग्रसर हैं, और भारतीय जनता पार्टी को हम अगले चुनाव में बहुत बड़ी शिकस्त देंगे। और श्री की बयान और कहा कि संतांजलि के नाम पर उपचुनाव में जीत मिली है, तो आगे 2022 में भी संतांजलि एक बार चलती है, बार बार संतांजलि नहीं होगी। उसके बाद मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ, कौन सी श्रद्धांजलि? इन 3 वर्षों में हमने जनता के बीच में जाकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है, हम लोगों के साथ खड़े रहे हैं, हम प्रदेश की जनता के साथ खड़े रहे, प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के साथ खड़े रहे, महिलाओं के साथ खड़े रहे, अनुसूचित जाति के लोगों के साथ खड़े रहे, अनुसूचित जनजाति के लोगों के साथ खड़े रहे, कर्मचारियों के साथ खड़े रहे, छोटे व्यापारियों के साथ खड़े रहे। हम जनता का हर वर्ग जो भारतीय जनता पार्टी से महंगाई के कारण परेशान है उनके साथ खड़े रहे, और ये वोट हमें मुद्दों पे मिला है, ये हमें श्रद्धांजलि पे नहीं मिला है। तो श्रद्धांजलि किस बात की? वो कहते हैं कि हमने वीरभद्र सिंह जी के नाम पे वोट मांगे, वो हमारा हक है। डॉक्टर परमार ने हिमाचल को बनाया है, तो हिमाचल के निर्माता हैं, और वीरभद्र सिंह जी ने हिमाचल को संवारा।